पत्थर गिर रहा है, ऊपर से जाम लग गया, गाड़ियां साइड हो गया। पूरा पहाड़ खिसक गया यहाँ से। हिमगिरी एक्सप्रेस वैसे भक्ति भी जा रही है भाई, सबको पीछे छोड़ रखा है एंकर। भाई देखो यहाँ रुक रखा है मैगी पॉइंट पे, सारा नीचे आ गया। रिस्की है बाबा, रिस्की है, बड़ा पत्थर अभी आया नीचे। ये देखो एंकर भाई, रिस्क है यहाँ, आराम से आना अपनी सेफ्टी से। मेरी गाड़ी साइड में खड़ी है, पर चलते हैं, अब तो जाना पड़ेगा यहाँ से, पत्थर गिर रहा है। अब निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। आज दोबारा हमारा मूड बन गया जाने का, यहाँ संडे, वैसे तो तुम्हारे भाई की छुट्टी है, कल की छुट्टी और ले रही है। मैंने बॉडी आरटीओ में काम है हमारा, पिछली बार गए थे तो मैंने यहाँ से बाइक में गए थे नहीं। अब लाइसेंस, पक्का लाइसेंस लेने जा रहे हैं, दोनों का लाइसेंस दिया है, लर्निंग लाइसेंस पर जा रहे हैं वहाँ। लाइसेंस किसके बाद नहीं, चलान कटेगा, बढ़िया अगर इसने रोक लिया तो। अब चलते हैं, थोड़ा बॉडी वॉडी जाते हैं, घूमते फिरते हैं। ऋषिकेश पहुँच गए गाइस, ऋषिकेश, उन पहाड़ों को चीरते हुए जाएंगे हम वहाँ बीच बीच से। हो रहा, अभी चलते हैं, भूख लग रही, थोड़ा खाते हैं, देखते हैं मैकडोनल्ड्स बोलते हैं, मैकडोनल्ड्स बैकटी में जाते हैं। नटराज चौक आ गया, कहाँ से मेन मार्केट से चलना है, ऐसा करते सवारी बिठा लेते हैं हम। मेन मार्केट से चलने के, वहाँ जाना है मैकडी कहाँ पर है, मैकडी आगे बस अड्डे भाई, और वहाँ से जाएगा बाईपास से तो कुछ नहीं आएगा, और वहाँ से जाएगा तो भी आएगा, भीड़ तो भाई कुछ नहीं कह सकते। जल्दी बता, कोविड के बाद इतना जाम होने लग गया ना भाई, जाम ही जाम रहता है पूरे उसमें, सीजन ही सीजन, ऑफ सीजन तो है नहीं भाई। हजार रुपए का तेल डाल दिया भाई, हजार रुपए का, देखते कितने का लगता है ये अपनी ओपी सेंटर कान से की। वेलकम बैक गाइस, रास्ता टूट रहा है भाई, यही दिक्कत है पहाड़ों में, रोड टूटती रहती है। ओपी ड्राइवर, कांच ओपी ड्राइवर भाई, इतना जाम जाम जाम, खुली रोड ही नहीं आ रही, रिस्केस क्रॉस कर दिया तब भी जाम। ये सारा जाम किसकी वजह से, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, इतना बड़ा पता नहीं क्या है वो गाड़ी है, क्या है, स्पेंडर है। चल चल निकालना इसके पीछे साले, एक गाड़ी तो निकाल कम से कम। सारा जाम इसकी वजह से, क्या है भैया, कमेंट में बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में, इतने बड़े बड़े टायर, क्या है ये, इस रोड में यही दिक्कत है भाई, टूटती रहती है। देखो भाई भयंकर, पूरा पहाड़ खिसक गया यहाँ से, टूटता रहता है ये। एक तरफ की खुलेगी फिर दूसरी तरफ की खुलेगी। A few moments later, दूसरी बार फंस गया हम यहाँ जाम में। अब यहाँ भी रोड टूट रखी थी, एक बार में एक साइड से छोड़ते हैं, पहले इस साइड से फिर उस साइड से, अब हमारा नंबर आया। यहाँ पे टूट रही भाई, ये सब हैंगर तो पीछे था, पूरा का पूरा पहाड़ी टूट जाता है भाई। हो गई भाई रोड इतनी चौड़ी बना दी, नया मॉडल सही है भाई, पीछे से पूरी वो लगती है रेंज रोवर भाई। बारिश आएगा फिर नीचे आ जाएगा ये, कुछ इसका कुछ इलाज नहीं है भाई, पहाड़ों में ऐसे होता है। अब इस साइड के खड़े हो रखे, फिर हम निकल जाएंगे तभी आएंगे। देवप्रयाग पहुंच गए गाइस, अब यहाँ से फिर हम अपने रास्ते, ये देवप्रयाग है सामने मुझे दिख रहा है भाई, पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ, देख के चलियो, आराम से चलियो वहाँ, पुलिस वाले खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से हम मुड़ जाते हैं राइट के लिए, मेरे गांव भी, हम यहीं से आते हैं सीधा आगे, चार धाम यात्रा वाली रोड है, हाँ यहीं से मुड़ना है। चल 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 चल, रुक जाओ भाई, पानी कितना गंदा हो रखा है, रोड भी गंदी है, रोड तो खैर यहाँ खराब ही रहती है हमेशा,
यहाँ पता नहीं क्या बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, नवोदय विद्यालय बन रहा होगा शायद, ये देवराज। अलग ही पता चलता है पानी के रंग से कौन सी अलकनंदा है कौन सी भागीरथी है। मौसम देखो गाइस क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, सामने का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है यार, पेड़ आ गए, बढ़िया व्यू आ रहा है भाई, पहाड़ों में भाई नज़ारे ही नज़ारे हैं, प्लेन्स वालों को क्या बता, जरा हमारे शहर आओ। चल 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 बॉडी 15 किलोमीटर, क्या नज़ारा है भाई, सनसेट हो चुका है, सारे पहाड़ों के बराबर में चल रहे हैं हम। पौड़ी पहुंच गए गाइस, पौड़ी मार्केट पहुंच गए, अब नीचे देखते हैं रूम राम होटल आटल देखते हैं, कहीं तुम्हें बताते हैं कहाँ रुके हम। यहाँ गाड़ी पार्क कर दी हमने, खटपनी सेंटर हो, यहाँ रुकेंगे सैनिक विश्राम गृह में, यहाँ रुकेंगे फ्री में, रूम राम की टेंशन नहीं है कोई। ये भाई ये खड़ी अपनी सेंट्रो, ये पार्किंग है, ये पूरा सैनिक विश्राम गृह है, पौड़ी में सैनिक विश्राम गृह, कोई अगर फौज में हो यहाँ आकर रुक सकता है आराम से, कोई चार्ज नहीं लगता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पूरा हॉल मिला है हमें, इतने लोग आते नहीं हैं, हम ही हमें फ़िलहाल तो दोनों ही, हम दोनों रुकेंगे आराम से, सारे बिस्तर पर सो, एक टांग है एक टांग है, एक हाथ या एक हाथ सर यहाँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आज दूसरा दिन पौड़ी का, यहाँ रुके थे हम रात को, ये रूम है हमारा, फ्री में मिला था जो सैनिक विश्राम गृह में, चेको और देखो बाहर का नज़ारा, देखो तो सामने माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, एवरेस्ट है माउंट तो पता नहीं क्या एवरेस्ट है, लेकिन थोड़ा मौसम होता है बारिश में तब साफ दिखता है। ये खड़ी अपनी गाड़ी, फॉग फॉग हो रहा पूरा, अभी बाहर चल के दिखाते तुम्हें व्यू नीचे का, और चल और गुड मॉर्निंग हो चुका है गाइस, पौड़ी की सड़कों से ये देखो, ये अपना पौड़ी है पूरा, अरे आगे क्यों था आगे भाई, व्यू दिखाऊंगा थोड़ा आगे जाके, जाते आरटीओ काम को निपटाते हैं उसके बाद निकलते हैं कहीं इधर उधर पता नहीं किधर। ओके गाइस, ये है मेन, बाय बाय गाइस, ओके बाय गाइस, नज़ारा देखो, ये पूरा पौड़ी हमारा, ये पौड़ी ये देखो, और ये सामने माउंट एवरेस्ट, मज़ा आया, पूरा फॉग ही फॉग, पहाड़ों के बीच वादी हो गए, और एक पंछी हमारे साथ, ये नज़ारा। वेलकम बैक गाइस, पौड़ी से काम कुम हो गया हमारा आरटीओ से, अब वापस निकलते हैं घर के लिए, जंगल ही जंगल भाई, लोकेशन बहुत अच्छी है पौड़ी में, अच्छी अच्छी जगह है, तो देखो भाई प्रो ड्राइविंग स्किल्स देख रहे हो भाई, चार चार ब्रेक लग रहे हैं इसमें। इस पिज़्ज़ा के लिए रुक रखे भाई अभी तक पौड़ी में, अब जाके मिला, पूरा पौड़ी घूम गए, यहाँ बैठे हैं थोड़ी देर गाइस, ये देखो लोकेशन, यहाँ बैठ के थोड़ा पेट पूजा करते हैं, खाना पैक करा के ले आते हैं हम, यहाँ खाते हैं आराम से, थोड़ी देर बैठते फिर निकलते हैं घर को सीधा देहरादून। ओके गाइस, ये भाई तीन धारा पानी आता है यहाँ से, साफ पानी बिल्कुल पहाड़ों से, देख रहे हो अपना खीरा खूरा ले लिया तीन धारा से भाई, यहाँ हो गया तो तीन धारा हमेशा रुकना है, ठीक है, तीन धारा सब रुकते खाने को निकले, देखो पूरा पीछे रुक रहा था सारे, और जिसे ज़्यादा एडवेंचर चाहिए हिमगिरी बस है ना,
वो खड़ी पीछे हिमगिरी, हिमगिरी में आना तुम्हें एडवेंचर मिल जाएगा भयंकर ही। आड़ू मिलेंगे, सेब मिलेंगे और अपनी मैगी और बंद आमलेट चल रहा है और लिमका चल रही है। यहाँ रुक गया पेड़ के नीचे भाई, देखो यहाँ रुक रखा है मैगी पॉइंट पे, सारा नीचे आ गया, अभी आया सारा नीचे। ओ भाई रिस्की है बाबा, रिस्की है बड़ा, पत्थर अभी आया नीचे। ये देखो भयंकर भाई रिस्क है, यहाँ आराम से आना अपनी सेफ्टी से। मेरी गाड़ी साइड में खड़ी है पर चलते हैं, अब तो जाना पड़ेगा यहाँ से, पत्थर गिर रहा है। पत्थर गिर रहा है ऊपर से, जाम लग गया पत्थर के, बिना बारिश के भाई ऐसा हो रखा। तो सोचो तो बारिश में क्या होगा, गाड़ियाँ साइड हो रही है। ये पत्थर भाई अभी आई, अभी देखो रास्ता साफ हो रहा है, अब निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, पत्थर उत्थर गिर गया, चलते हैं अपने बाहर। हिमगिरी एक्सप्रेस वैसे भक्ति भी जा रही भाई, सबको पीछे छोड़ रखा है एंकर, इसमें आना बैठना कभी तुम्हें मजा आ जाएगा भाई। जाते टाइम भी हम यहीं पे फंसे थे भाई, आजकल तो बारिश भी नहीं हो रही फिर भी इतना यार रोड टूट रही है, बरसात में तुम्हारी बुरा हाल है। अब हमारे वहाँ भी जाएंगे दूसरा हाल है, इसलिए भाई अपने रिस्क पे आ रहा खड़े हो रखे हैं। पहुंच गए अपने लोकल बाला वाला में पहुंच गए, अभी अपने चौक पे यहाँ से मोमोज खाते हैं फिर चलते हैं घर को। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।